Ekta, a doubter, mother, housewife who loves to share creative ideas with you all in budget. तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये beautiful गणेशा painting. इसके लिए हमें सबसे पहले किस तरह की कार्डबोर्ड चाहिए, आप कोई भी ले सकते हैं. मेरे पास ये बची हुई थी तो मैंने इसे रिमूव करके रेडी कर लिया है. अब इसके ऊपर मैं जेसो लगा लूँगी. मैं बेस कोट पे हमेशा ये यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देता है. अब इन सबको मैं फिर से एक कोट दे लूँगी फेविक्रिल की वाइट पेंट से. और ड्राई करने के बाद मैंने ये स्टिकर्स का यूज़ किया है. ये गणेशा की ब्लैक एंड वाइट स्टिकर्स मुझे पसंद आई. तो इसकी टॉप प्लास्टिक को रिमूव कर लेंगे और इस तरह से पेस्ट कर लेंगे. यहाँ पर स्पंज डॉबर की हेल्प से मैं ऊपर की लेयर को अच्छी तरह से वेट कर लूँगी और इसे हल्के हाथों से रिमूव कर लूँगी तो ये हमारा उभर के इसके ऊपर में आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पर मैं मोल्डेड के हेल्प से एक यूनिफॉर्म डॉ बनाने वाली हूँ ताकि मैं इसकी बॉर्डरिंग कर पाऊँ. अब एक पतली सी जिस तरह से लिपन आर्ट में यूज़ की जाती है बिल्कुल उसी तरह से हम इस तरह से तब तक इलॉन्गेट करेंगे जब तक कि ये मेरे पूरे सर्कल को कवर ना कर ले. फिर कोई भी नॉर्मल ग्लू लगा सकते हैं यहाँ पर. और इसे पेस्ट कर लिया है चारों तरफ अच्छी तरह से. एंड देन इसके अंदर में भी मैंने एक लेयर डाल ली है और इन सबको मेरे पास एक टूल थी उसके हेल्प से पोकिंग करके और इसे रेडी कर लिया है. तो ये हमारा एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. सेकंड पार्ट में मैंने अपनी नाइफ टूल का यूज़ किया है और उसे डिज़ाइनिंग कर ली है. After completing this part, मैंने यहाँ पे बेस पेंट कर लिया है वाइट एक्रेलिक पेंट की हेल्प से. और मुझे इतने गणपति जी वाइट एंड ब्लैक में अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए मैंने थोड़े से पिंक में पानी ज़्यादा मिलाते हुए यहाँ पर हल्की सी झलक पिंक और ब्लू की डाल दी है पूरे गणपति जी में. तो लेट्स सी. मीनवाइल अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आ रही हो थोड़ी सी भी तो इसे लाइक कर लीजिए और अपना सुझाव देने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए. और फ्रेंड्स अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिले. और अगर आपको तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए यूट्यूब के द्वारा तो फिर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें. तो अब मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ इसके बैकग्राउंड की ओर. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइट ब्लू शेड दी है और ऐसा दिखाने की कोशिश की है जिस तरह से स्पेस से मानो गणपति जी हमारे पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हों. तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पेपर टियर आउट करके ले ली है और डीप शेड से इसमें ज़्यादा पानी मिलाते हुए इसकी स्प्लैशेस दिए हैं. ये आपको एंड व्यू में पता चलेगा इसका फाइनल लुक. तो इसके बाद अब इसकी बॉर्डरिंग पे भी चलिए थोड़ी सी वर्क कर लेती हूँ ब्लू कलर से. और पूरी ब्लू से करने से ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी इसीलिए मैंने यहाँ पे दो कलर्स ले लिए हैं पिंक और ब्लू. और बीच में ऑटोमेटिक ये एक पर्पल की शेड सी आ गई है. अब थोड़ी सी शैडो इफ़ेक्ट दे लेती हूँ और फिर गोल्डन पेंट से इसकी पॉलिशिंग कर देती हूँ ऊपर से. और इन सबको अच्छी तरह से ड्राई करके अब मैं ऊपर में थोड़ी सी ग्लू वापस से लगाऊंगी और नेचुरल इफ़ेक्ट देने के लिए जूट रोप का यूज़ कर लूँगी. इससे ये बैक साइड में मुझे होल्डिंग पर्पज़ के लिए भी हेल्प मिल जाएगी. और नेक्स्ट अब मैं इन सबको वार्निश कर लेती हूँ ताकि ये मेरे साथ लंबे समय